आ गया खेलन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मुठड़ी का चूरमा, जो राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चूरमा बनाना। क्या देखो रे? देखो। इसके लिए मैंने ये आधी कटोरी सूजी ले ली है। ये आधी कटोरी सूजी ली है, इसको छान लेंगे। और ये एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसको भी छान लेंगे। तो ये आधी कटोरी मैंने गेहूं का आटा और लिया है। तो आधी कटोरी सूजी और डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा, दो कटोरी हो गए हैं। अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है, तो माँ निकाल रहे हैं दूध। ये दो मिर्कली भरकर मैंने घी डाल दिया है, इतना घी डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो फरम हिंदू मंडा मम्मी एक घंटा घुटो हिंदू मांडता पर मम्मी माँ हिंदू बोली तक वो दादा मांडा भी होता है मम्मी भी। पहले मैं छोटो सो हिंदू मांडियो अलग जब को खुल गयो चार गांठ दी तो भी दादा दादा ने दूसरा मांडर दियो। तो इसमें घी मिक्स कर लिया और घी मिक्स करने के बाद में ये इस तरीके का होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें एकदम टाइट आटा लगा लेना है। कैमरा मैन वंदना है, तो कभी घर के अंदर वीडियो बना रही है और कभी बाहर का वीडियो बना रही है। अभी भैंस का दूध निकाल रहे हैं और अभी इवनिंग का जो रूटीन है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये एकदम मैंने दूध से टाइट आटा लगा लिया है। ये देखिए एकदम टाइट है। ये देखिए एकदम टाइट आटा है, इसको थोड़ा और गूंद लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और ये मुठड़ी तलने के लिए मैंने घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ये घी गर्म हो रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है। ये चाय में डालने के लिए सौंठ कूट रही हूँ। तो ये इस तरीके से मुठड़ी बना लेंगे, इस तरीके से लेके और अंगुलियों से थोड़ा इस तरीके से कर देंगे ताकि अच्छे से सीख जाए। ये गर्म हो चुका है, तो ये मुठड़ी डाल दिया मैंने। यहाँ मैंने गर्मा गर्म मेरी मिर्ची माँ पीस नहीं है बंदू नहीं तो है नहीं बस चिड़ी हो जाए किसी जगह नहीं बस पीस कर क्या करी चूरमा बना से चूरमा चूरमा फिक्को सी कुछ माफी से चीनी मार दे लिया
तो ये इतना मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया है मछली, और ये और सिक्कर तैयार है, और ये इतनी सिक रही है अभी। अब इनके इस तरीके से टुकड़े करके पीस लेंगे, बस ये थोड़ी सी ठंडी हुई है, गर्मा गर्म इनको पीसेंगे तो ये अच्छे से पीस जाएंगी। ठंडी होने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है पीसने में। तो अब इनको तो ये देखिए अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए इस तरीके से पीस लिया हमने। अब ये चीनी पीस लेंगे हम, इसमें पिसी हुई चीनी, बुरा खांड आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो ये हमने जो पूरी मुठड़ी है उनका चूरमा बना लिया है मिक्सी से। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम पिसी हुई चीनी और थोड़ा घी मिलाएंगे, जो यही यूज में लेंगे हम जो हमने तलने के लिए लिया था, और ये नारियल का बुरादा। दो कटोरी हमारा आटा है तो इसमें हम दो कटोरी से थोड़ा कम चीनी डालेंगे, डेढ़ कटोरी के लगभग। आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा ले सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब ये घी मिला लेंगे। तलने के लिए मैंने घी लिया था, वो पूरा घी मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बना लेंगे, चूरमा लड्डू। ये सबसे पहले लड्डू उबाल के लिए बिक गई, तो अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। और ये राजस्थान के प्रसिद्ध हैं चूरमा लड्डू, मुठड़ी के चूरमा लड्डू। मम्मी डाल दे, डाल दे, हाँ ले खा के बता फिर बहुत ये है बहुत ही स्वादिष्ट। राम राम। तो ये इतने लड्डू बनकर तैयार हैं, लड्डू बना लिए। क्या लगे बंधु? बहुत स्वाद है। ठीक है क्रोमा, मुठड़ी खोलो। इन किसी मुठड़ी है? इन मुठड़ी है मोटांगी। मोटांगी मुठड़ी कहवा के? हाँ मोटांग फली ने। हाँ मोटांग फली मुठड़ी कहवा है। सब्जी बनाओ क्या? आज मुठड़ी की सब्जी बनाओ है। मुठड़ी को चूरमा और मुठड़ी की सब्जी। हाँ मोटांग फली। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, मोट की फली और काचर की सब्जी बना रही हूँ, एकदम देसी सब्जी। ये बिरानी खेत से लाई हुई फली और काचर है। लहसुन मैंने छील लिया है, तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये मैंने मसालों को पकाने के बाद में इसमें फली और काचर डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसमें पानी डालकर ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही गजब सब्जी बनती है ये। अभी दादा पोती खाना खा रहे हैं तो उनके लिए खाना परोसा जा रहा है। लो पोतियां दोनों सूती है ऊपर। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।